आ चुके हैं मध्य प्रदेश में। अब तक हम थे यूपी में, तो यूपी हमारा यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ से होगा मध्य प्रदेश। तो यहाँ से पहला स्टेशन आ रहा है वो है छतरपुर, उसके बाद हम शायद से जाएंगे खजुराहो और वहाँ से फिर हो जाएंगे रवाना दिल्ली को। थैंक यू। वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगले भी बताऊंगा, आगे भी अगले टेंपल के बारे में बताऊंगा। नहीं थे सबके लोग फोटो खींच रहे हो। तो यहाँ पर बताना भूल गया मैं, थोड़ा अपना क्या बोलते हैं कि अपनी लाइन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और तो उसके बाद बागेश्वर बालाजी के बाद हम गए थे खजुराहो, जो कि वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अगर आप वहाँ जा रहे हो बागेश्वर बालाजी, तो अगर थोड़ा टाइम जल्दी लेके जाना, क्योंकि खजुराहो है ना वो सूर्यास्त के समय ओपन, मतलब खुल जाता है उसके दरवाजे, और सूर्यास्त होने के बाद वहाँ आपको अलाउ नहीं किया जाता, आप कोई भी बड़े ऑफिसर हो या कुछ भी हो। तो फिर हम खजुराहो गए थे, खजुराहो में भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर वहाँ का जो बोलते हैं ना कि वहाँ के जो गाइड होते हैं वो बड़े, मतलब बड़े से अजीब से लगे, क्योंकि हम लोगों को फोर्सफुली बोल रहे थे कि गाइड का पैक होता है जो 5 लोगों के लिए होता है। तो क्योंकि हमने ऊपर हमारा ड्राइवर के साथ अच्छा रिलेशन हो गया था, तो उसको भी हम अपने साथ हर जगह घुमा रहे थे, उसकी टिकट भी मैं बाय कर रहा था। उसने बोला था कि मुझे खाने का खर्चा मत देना, फिर भी हम दे रहे थे, क्योंकि वो बंदा भी अच्छा था हमारी बहुत ज़्यादा, उसने हेल्प की। जो लंबे लॉन्ग रूट होते हैं ना, वहाँ से ना ले जाके उसने हमें शॉर्टकट के ले जाके हमारे पैसे बचाए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कोई अगर हमारा ख्याल रख रहा है तो हम उसके ख्याल रखें। तो मैंने उसकी भी अच्छी खासी हेल्प की। तो फिर हम खजुराहो गए, तो वहाँ पर भी वो हो रहे थे कि आप इंग्लैंड से आए हुए हो, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हमें ले लो, हमें बुक गाइड कर लो। अगर 2000 में पूरा फैमिली के लिए गाइड आते हैं, 5 लोगों के लिए गाइड आता है, पढ़ा लिखा होता है जो हिंदी इंग्लिश और 2-3 दूसरी लैंग्वेज भी जानता है जो आसपास की लोकल होती हो, तो हमने मना किया। फिर भी वो बहुत पीछे पड़े हुए थे, तब जाके मेरे भाई ने थोड़ा सा ना वो अग्रेशन दिखाया कि आप पीछे क्यों पड़े हुए हो, हमें नहीं चाहिए। तो फिर वो बोलने लगे कि पत्थर बोलते नहीं है वो। तो मेरे भाई ने कहा कि हम सिर्फ यहाँ देखना चाहते हैं, यहाँ की जो क्या बोलते हैं एनर्जी उसे फील करना चाहते हैं, हमें कोई ऐसा डीप में आर्कियोलॉजिकल नॉलेज नहीं चाहिए, हम वहाँ मूर्तियाँ देखेंगे, वहाँ जो आगे लिखा हुआ वो पढ़ेंगे और हम समझ लेंगे, अगर और कोई ज़रूरत पड़ी तो हम देखने के बाद उसके ऊपर बुक्स भी मिलती है बाहर की साइड से, वो हम ले लेंगे। तो मैंने वहाँ पर भी बात की, तो वो बड़े से रूड हुए थे, वो बोल रहे थे कि अब 10 मिनट रहेंगे साइट बंद हो जाएगी तो आप टिकट बुक नहीं कर पाओगे। तो वहाँ तो सही थे, पर वो टिकट ना हम 4 लोगों की हो रही थी 140 रुपये में, पर इन लोगों ने क्या किया कि हमसे करीबन 160 या 170 लिए, जो कि मेरे पास फ़ोन पे में क्या बोलते हैं फ़ोन पे की हिस्ट्री होती है ना उस पे सब कुछ है लिखा हुआ। तो वहाँ पर ना मैं थोड़ा सा ये गाइड करना चाहूँगा कि अगर वहाँ जा रहे हो ना तो अपनी टिकट एटलीस्ट एडवांस में जाओ, आप 3-4 घंटे एडवांस में जाओ, ताकि वो जगह को ना आप पूरी तरीके से ना फील कर सके, वहाँ की एनर्जी, वहाँ का जो पीस है, वहाँ का नेचर है, वो सब आप फील कर सको अपने आप से। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाने से एटलीस्ट 3-4 घंटे पहले जाएँ। जाते ही सबसे पहले वहाँ गवर्नमेंट के पोस्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ कुछ नहीं, आपका QR कोड स्कैन करना है, आपके सिर्फ नाम डालने हैं, आपको कोई ID के लिए कुछ नहीं पूछने वाला, ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी पूछने नहीं वाला है। और वो डरा रहे थे बेकार में कि मेरी एक्शन थोड़ी सी ये वो मैं इंडियन नहीं लगता, तो शायद तुमसे आधार कार्ड मांग लेंगे, अगर आधार कार्ड नहीं हुआ तो तुम दिक्कत में आ जाओगे ये वो। तो मैंने कहा कि भाई अगर देखो मेरे पास पासपोर्ट है, अगर हम पासपोर्ट बना रहे हैं ना तो हमें पासपोर्ट के अंदर आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है, पैन कार्ड, अपना रेशन कार्ड, अपने बैंक डिटेल्स, बिजली के बिल, सब चीज़ें देनी पड़ती है, एड्रेस प्रूफ, तब जाके हमारा पासपोर्ट बनता है। और मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मानता हूँ मैं इंग्लैंड में रहता हूँ पर मेरे पास कोई ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं, मैं इंडियन पासपोर्ट हूँ। मैं वहाँ स्टूडेंट गया था, अभी 1-2 साल हुए हैं मुझे, तो सब तो मतलब पहले तो अच्छे से बात कर रहे थे, फिर थोड़े गर्म हो गए। तो मेरे भाई जो है वो दुबई से आया हुआ था, वो भी उसके साथ गुस्सा हो गया, तो फिर जलपा ने और हम लोगों ने मिलकर थोड़ा मैनेज किया, जो ड्राइवर भैया थे उसने भी मैनेज किया। उसने बोला कि ये लोग आपको पैसे लूटने और ऐंठने का काम कर रहे हैं, तो समझ के रहिए और संभल के रहिए, क्या
क्योंकि वो यूपी से है ना, तो एमपी यूपी दिल्ली इन सब लोगों को जानते हैं और उसको 15 साल से यही काम कर रहे हैं बागेश्वर बालाजी खजुराहो का उसको नहीं पता। तो उसने बोला कि हमने कभी नहीं देखा, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसकी भी टिकट बुक कर दे, तो ये इसी बहाने ये भी देख लेंगे इसको कब मौका मिलेगा देखने का हमारे साथ अगर तो।